तथा कथित कथावाचक रामगिरी के आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में दुर्ग में मुस्लिम समाज ने आक्रोश जताया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग की। भारत देश में नफरत फैलाने वाले तथा कथित रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को दुर्ग में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज ने अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि मुंबई में दिए अपने बयान से विवाद में आए रामगिरी नामक व्यक्ति के अनुचित बयानों के कारण मुस्लिम समाज के पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी व अपमानजनक बात कहने पर समाज के लोगों ने जमकर आक्रोश जताया। आगे नहीं बढ़ना है भाई, आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं आना है भाई, आगे नहीं, दायरा रखना है बस, अब इससे आगे नहीं बढ़ना है। इस विवादित बयान के चलते सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के द्वारा जुमे की नमाज के बाद सभी लोग एक साथ एकजुट होकर अपने हाथों में तख्ती और नारेबाजी के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के नाम रामगिरी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दुर्ग शहर की सभी मस्जिदों के इमाम सहित समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। दुर्ग पुलिस द्वारा उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही रोक ज्ञापन लिया गया। इस शांतिमय प्रदर्शन के बाद समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंप अपनी बातें कही। इस संबंध में दुर्ग तकिया पारा मस्जिद के इमाम मौलाना मंसूर रजा ने प्रतिक्रिया दी। शहर के मुस्लिम समाज यहाँ पे जमा है, जितने भी मस्जिद हैं तमाम अइमा हैं, मुतवल्लियान किराम हैं और तमाम अवाम हैं, और हम लोग को बहुत दुख में है, तकलीफ़ में है कि जहाँ हम जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर कोई शख्स खड़े होकर के अचानक हमारे नबी पैगंबर के बारे में कुछ भी कह जाता है, तो इसलिए हम तकलीफ़ में हैं। इसका आक्रोश जताने के लिए हम प्रशासन के पास आए हैं, इसलिए कि वो रामगिरी नामी एक शख्स जिन्हें नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो हमने ये मांग किया है कि जितना जल्दी हो सके उनकी गिरफ्तारी की जाए, ताकि ऐसे लोग अगर छुटे रहेंगे, खुले रहेंगे तो और आगे कुछ बोलेंगे, इससे माहौल ख़राब हो सकता है। तो मुस्लिम समाज ये चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर अमन चैन कायम यह है, बरकरार रहे, तो इसीलिए हम प्रशासन के पास आए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि हमारी इस बात को आगे बढ़ाई जाएगी। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।